हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी सिस्टर से लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल मुझे जाना है अपने ससुराल। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो चुका है, पूरे 7 बज गए हैं और मैं आई थी ऊपर थोड़ा सा घूमने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है और इतनी ज़्यादा हुम्मस हो चुकी है, बारिश आई नहीं है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज फिर से हमारे प्लांट। तो ये वाली वेल मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले दिखाई थी, तो कितनी छोटी सी मतलब दिखाई दे रही होगी, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से पूरी तरह से फैल गई है। और कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो ये वाला भी पूरा मतलब पौधा अच्छे से बड़ा हो गया है। और चलिए फिर हम चलते हैं रूम के अंदर, तो क्योंकि पूरे मतलब शाम हो गई थी, तो हम इसके जो खिड़की दरवाजे हैं सब खोल देते हैं रूम के, और बाहर से भी थोड़ा सा मतलब हवा आएगी तो रूम एकदम अच्छा से ठंडा हो जाएगा। तो शाम के टाइम हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, ऊपर के जितने भी खिड़की दरवाजे गेट होते हैं सब खोल के छोड़ देते हैं। और ये वाली बेल बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी लगती है, और ये रूम के बाहर लगा के रखी है हमने। और बस यही है, बाहर से बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं थोड़ा बहुत हमारे घर के सामने का, तो देख सकते हो बस सारी बिल्कुल न्यू कॉलोनी बनी है। तो थोड़ा बहुत मतलब एक दो बीच में स्पेस है घरों के, तो कुछ एक दो प्लाट मतलब कट कर रखे हुए हैं, अभी तक वहाँ पे कोई भी घर नहीं बना है। और ध्रुव मेरे पास में है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये वाला प्लाट, ये वाली बेल है, ये वाली कितने अच्छे से लगी हुई है। और बस यही है, अब रूम को खोल दिया है, और जब भी इसमें सोना होता है तब तक आराम से पूरा अच्छे से ठंडा हो जाता है, और कूलर चलाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कर्टन्स वगैरह साइड में कर दिए हैं। और कुछ प्लांट्स जो बाहर रखे हुए हैं वो भी इस तरह से हमने कुछ अंदर रख दिए हैं, कुछ बाहर है। और कितने अच्छे से जो सदाबहार का है प्लांट्स उस पर फूल आए हुए हैं, तुलसी भी हमने अंदर रखी हुई है। और कुछ प्लांट्स हैं जो भिंडी का पेड़ था वो वाला हमने मतलब उखाड़ दिया है, वहाँ से उखाड़ दिया है, और उसकी जगह हम मम्मी ने कुछ नया लगाया है, तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि मम्मी ने कौन सा पौधा वहाँ पर लगाया है। और बाहर का व्यू इस तरह से है कि मतलब शाम हो चुकी है, तो पूरा बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम, तो आप देख सकते हो चाय हमारी बन रही है, गर्मा गर्म चाय, तो आप लोग भी पी लीजिए। तो बस हम अभी अदरक वगैरह डालना बंद कर दिया है, खाली इलायची लौंग डालते हैं। तो बस यही है हमारी सुबह की मॉर्निंग से शुरुआत चाय। चाय पानी पीने के बाद बस हम सीधा लग गए हैं, आज कर रहे हैं हम अलमीरा की ऊपर से जो साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत हमने सामान रखा हुआ है वो, तो बस यही है आज हमने थोड़ा बहुत काम किया है, ज़्यादा तो नहीं है साफ़ सफाई, बस थोड़ी सी ऊपर की है साफ़ सफाई।
और ये डॉल इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे, सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम हो गया ये हमारे घर पे, यहाँ हमने ला के रखी हुई है। तो ये वाली डॉल हमारी शादी में किसी ने गिफ्ट की थी, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो बस इसी प्रकार आज थोड़ा बहुत घर का हम कर लेते हैं साफ़, तो यही आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। तो इस टाइम सफाई हो रही है घर की, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब सामान बिखरा हुआ है। और यहाँ पर डॉल को हमने अच्छे से साफ़ करके वापस रख दिया है इसको इसी डब्बे में। और अभी ये करना है गिटार साफ़, तो गिटार पे इतने ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी और इसका इतना सुंदर सा बैग था, तो वो बैग हो गया है ख़राब। क्योंकि कई बार ऐसे होता है किसी बैग में जब अगर हम काफ़ी टाइम तक कुछ सामान रखते हैं तो उसको वो मतलब वो ख़राब हो जाती है। तो इसको मुझे ही इतना टाइम हो गया देखते हुए, उसका बैग उससे भी पहले का था तो वो हो गया है ख़राब। और अभी इसको हम ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है। अगर ऐसी चीज़ें अगर ऐसे ही धूल मिट्टी से ख़राब हो जाती है तो मन बड़ा मतलब दुखी होता है। और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या करें, क्योंकि इसकी कोई भी अच्छी सी जगह नहीं मिल पा रही कि इसको कहाँ पर हम अच्छे से रखें। तो बस यही है। और एक ये बैनर आपको दिखाती हूँ मैं, तो इस बैनर की एक फ़ोटो हमने घर पे लगा भी रखी है, तो फुल बड़ी फ़ोटो है एक, और वो फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। तो आप देख सकते हो एक ऐसा ही बैनर रखा हुआ है और सेम टू सेम ऐसा ही हमने एक घर पर बना के रखा है, और एक मामा जी हैं वो लेके गए हैं अपने घर पे। तो ध्रुव की फ़ोटो कितनी सुंदर है, तो आप लोग बता सकते हो मुझे कि ये फ़ोटो आप लोगों को कैसी लगी ध्रुव की। तो एक वहाँ पे ऊपर हमने ऐसी सेम फ़ोटो लगा के रखी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने कर ली है सफाई, तो बस फटाफट से यहाँ पर साफ सफाई होने के बाद मम्मी जी ने हमारे लिए बना दिए थे परांठे और चाय। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मम्मी ने फटाफट से परांठे और चाय बना दी, और सच में इतने ज़्यादा मतलब टेस्टी लग रहे थे परांठे, भूख लगी हुई थी ज़बरदस्त। ध्रुव आप लोगों को दिखाई दे रहा है कमीज पजामा में, और ये वाला कमीज पजामा वही है जो इसकी मौसी ने स्टिच करके दिया था इसका। तो आप लोग बताओ मुझे भी ध्रुव को कैसा लग रहा है ये कमीज पजामा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इसको पहनाने के बाद इतना ज़्यादा मतलब खुश हुआ था ये पहन के कि हाँ मुझे यही पहना दो। और बस ध्रुव यहाँ पर लगा हुआ है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो हम लोग कहीं बाहर आए हुए हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इन यहाँ पे हम लोग आए हैं किचन, तो आप लोग देख सकते हो कितना बाहर का व्यू कितना सुंदर है।
और कितने ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे और हरियाली है यहाँ पे। और ध्रुव सच में इतना ज़्यादा मतलब एक्साइट होता है जब भी हम लोग बाहर आते हैं, तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, इतना ज़्यादा खुश होता है। और पूरा दिन मतलब इसको बाहर रखो चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये इतना ज़्यादा खुश होता है बाहर आते हैं तब। तो आप लोगों को मैं यहाँ बाहर का व्यू दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। चप्पल पहन के देखा था बहुत ही शौक है सब कुछ पहनने। चप्पल तो क्यों ही चप्पल का बेटा इसने तोड़ा मत सब हो गई गई दादी क्या बेटा या भाई मारते हैं पापन दर्द है देखो दर्द ही है बाजी है। अच्छा दादू दादी हुए हाँ मोहतरा जी हुए दादी हुए चाची बेटी सागन चाची है सारी अपनी चाची है अरे देख तेरी चाची कौन सी है मैं कदे मम्मी दे दे मम्मी दे दे ये तो नहीं मम्मी दे जरूर मुझे दे दो दे दो ले भाई बस दादी दे दे दादी ले भाई दे दो ही। और ध्रुव खा रहा है यहाँ पे टॉफ़ी। तो आजकल ये टॉफ़ी खाना इतना ज़्यादा मतलब सीख गया था और ये अपनी नानी के घर टॉफ़ी खाना सीख के आया था क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं देती थी। तो अभी देख सकते हो कितनी खुशी खुशी इसने पूरी टॉफ़ी खा ली है। और यहाँ पर अभी मुझे करना है अपना बेडरूम थोड़ा बहुत साफ़। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह तो बिछा दी है लेकिन थोड़ा झाड़ू निकालनी है और पोछा लगाना है। तो बस यही है कि कई बार हमें दिन में दो बार तीन बार ऐसे पोछा भी लगाना पड़ता है और कभी कभार तो मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है रूम, जिस रूम में बैठते हैं वो वाला रूम ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे आप ये वाली पिक्स देख सकते हो तीनों भाई कितने मस्त लग रहे हैं। और बस यही है। और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत मैं अपना डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, डस्टिंग करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगाना है पोछा। और अभी मैंने रूम सारा अच्छे से कर लिया है साफ़। तो मुझे करनी है अलमारी की सेटिंग। तो अलमारी में वैसे तो कपड़े सारे प्रेस करके रखे हुए हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छे से उनको जचाना है। तो पहले मैं सारे कपड़े बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर से सारे कपड़ों को अच्छे से तय करके लगाऊंगी। और सारे कपड़े मैंने एक बार बेड पर रख लिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे तय करके उनको मैं अलमारी के अंदर सेट कर लूँगी। तो इतने ज़्यादा सूट हो गए थे मेरे पास अलमारी में रखने के लिए, मतलब उथल फुथल जगह अच्छे से सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो अभी आज मैं पूरे निकाल के उनकी अच्छे से सेटिंग कर लूँगी। और ये काम मुझे हफ्ते में एक बार तो करना ही होता है क्योंकि पूरे हफ्ते में अगर हम सेटिंग करके रखेंगे तो आराम से हमारा काम चल सकता है। Thank you.
और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अलमारी से निकाल लिए हैं और अभी फिर से मैं उनके अच्छे से सेटिंग करूँगी सभी को वन बाई वन, एक एक सूट को अच्छे से बिल्कुल उनकी जगह पर सेट कर लूँगी। और कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं सच में, हम कितना भी अपने अलमारी को सेट करें आराम से हमारी अलमारियाँ ऐसे ही बिखर जाती हैं। मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे अलमारियों में कपड़े बिखरे रहो, लेकिन कई बार ऐसे होता टाइम पसंद नहीं होती तब भी हमारे मतलब ऐसे कई बार बिखरी हुई रह जाती है अलमारी। तो बस मैं आप लोगों के साथ सीधा ही डायरेक्ट दिखा देती हूँ, मैंने सारी अलमारी को अच्छे से सेट कर लिया है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो इसी चक्कर में मैंने सीधा डायरेक्ट आप लोगों को अलमारी सेट करके ही दिखा दिया है। और आप देख सकते हो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो इनमें इतना कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा लग गया और मैं पसीना पसीना हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे सच में। और फाइनली हमारी अलमारी अच्छे से सेट हो गई है, मैंने पूरी अलमारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बार सेट कर लिया था और बीच बीच में ध्रुव भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो आप देख सकते हो इतने ज़्यादा सूट है मेरे पास यहाँ पे और इससे भी ज़्यादा मतलब साड़ियाँ हैं, और साड़ियाँ सभी मैं अपने बेड के अंदर जो पेटी है उसके अंदर रखती हूँ, और सूट और जो मतलब और मेरे कपड़े वो आधे से ज़्यादा मेरे मोहाली भी पड़े हुए हैं। और अब बस यहाँ पे जो इतने ज़्यादा सूट रखे हुए हैं वो ज़्यादा हैवी सूट हैं, मतलब कि कभी कभार पहनती हूँ यहाँ पर। तो बस आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए।